हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल गौतम आप सबका फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो हम सीखेंगे कि विड्रॉल स्लिप या निकासी पर्ची हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में जो निकासी करते हैं उसका कैसे भरते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा निकासी फॉर्म है इसमें आपको शाखा का नाम या ब्रांच का नाम लिखना है, हिंदी या इंग्लिश किसी में लिख सकते हैं। उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है और खाता नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर जो है वो आप अपना डालते या खाता संख्या, जो दोनों एक ही चीज़ होता है अपना डाले। उसके बाद आपको यहाँ देखना है पे सेल्फ, ये मतलब होता है ये खुद से निकालना होता है ये निकासी पर्ची। उसके बाद आपको लिखना है कितना पैसा हम लोग निकालते हैं। जैसे ये अंक में यहाँ जो रुपया लिखा हुआ है ये आपको अंक में लिखना है। ये 25,000 निकालना 25,000 लिखना है। जितना आप निकालते हैं वो आपको अंक में लिखना होता है। यहाँ पर आपको शब्द में लिखना पड़ेगा और नीचे जो है वो आपको अकाउंट होल्डर साइन है या खाता धारक का हस्ताक्षर है वहाँ आपको साइन करना है। जैसा नाम है अपना साइन करें, जैसा अकाउंट में क्या था, एक साइन यहाँ करना है, दो साइन इसके जस्ट हमें पीछे करना है। अब कुछ बातें हम लोगों को जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो अंगूठा धारक होते हैं, अंगूठा धारक का यहाँ पे निशान लगेगा और दो निशान आपका जस्ट फॉर्म के पीछे लगता है। अगर वो साइन करते हैं तो जैसे यहाँ पे साइन देख रहे हैं इस तरह साइन किया हुआ है, दो साइन कीजिएगा। अगर वो निशान लगाते हैं तो दो साइन अपना, अगर निशान लगाते हैं तो दो निशान आपको लगाना है। एक और ध्यान देने वाली बात कि जो महिलाएं लोग होती हैं वो अपने दाएं हाथ से निशान लगाएंगी और जो पुरुष होते हैं वो अपने बाएं हाथ से निशान लगाएंगे। अगर पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो महिलाएं लोग याद रखें जिस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं उस हाथ से ही हम लोगों को निशान लगाना है और उसी हाथ से पैसा लेना है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा जरूरत बात है जो यहाँ पे फॉर्म पे हम लोग को देखना, जो रेड कलर से लिखा गया है कि यह जो है यह फॉर्म चेक नहीं है, इसके साथ पासबुक जरूरी है या दिस फॉर्म इज नॉट अ चेक पासबुक मस्ट एकम्पनी दिस। मतलब यह जो हम लोगों को स्लिप मिला हुआ है यह चेकबुक नहीं है, इसके साथ में हम लोगों को पासबुक चाहिए। जब पासबुक रहेगा तभी हम लोगों को पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज पेमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा और ध्यान देने वाली बात है कि इस जो पर्ची होता है इस पर हम लोग मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का ही विड्रॉल निकासी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की निकासी के लिए हमें चेक की जरूरत पड़ेगी। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में आपको कौन सा बात अच्छा लगा और आगे आप कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हैं। चलिए धन्यवाद।